राम राम सदन प्रिया, मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल प्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हर्ष विद्र्ग के ऑफिशियल टीजर पे, और ये एक नेपाली मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है चंद्रपंत ने। तो सबसे पहले हम टीजर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। योजना मैले वर्षौं पहिले हेरिसकेको छु। एउटै नक्षत्र, एउटै ग्रह, एउटै भाग्य, असम्भव। पट मुर्गा यता आइज, के रे कुरुका कुटा डोग, मेरो हिरो भन्छस, मामा हैनस् त कंक्ष मामा होस्, डोबी निकाल। सो गाइस, ये था हर्ष विद्र्ग का ऑफिशियल टीजर, और हमने इसके गाने के ऊपर भी रिएक्शन किया था। और सीरियसली अगर मैं इस टीजर के बारे में बात करूं तो ये मतलब एकदम नया इन्होंने ट्राई किया है, क्योंकि कई सारे साउथ मूवी के एक्टर इन्होंने इसके अंदर लिए, और छोटे नाम नहीं है। हाँ। जिन जिन को इन्होंने लिया है वो बहुत बड़े नाम है, और सीरियसली पूरी जो स्टार कास्ट है वो काफी कमाल की लग रही है। और टीजर मुझे काफी अच्छा लगा, इसमें डायलॉग्स कम थे और पूरे मतलब एक म्यूजिक चल रहा था, और बहुत यूनिक मुझे ये स्टोरी लग रही है। और सीरियसली बस एक चीज का मुझे थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है कि जो उन्होंने साउथ का जो मतलब जो साउथ की उन्होंने कास्ट ली है, तो जो डबिंग होगी वो मतलब एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ये तो हो नहीं सकता कि सबको ही नेपाली आए, तो ऑब्वियस है कि डबिंग करेंगे। अगर वो डबिंग आर्टिस्ट की आवाज सही से मैच होती है, लिपसिंग सही से होती है, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन जैसा इसका ये टीजर है, काफी अच्छा लग रहा था। स्टार्ट में हमें ये तो समझ आ गया था कि दो लोगों का भाग्य एक साथ जुड़ेगा और उसके साथ ही तबाही आने वाली है, मतलब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। और कहानी में काफी ज्यादा बहुत कुछ अलग अलग दिखा रहे हैं, जैसे कभी साधु संत भी दिखा रहे हैं, कभी कुछ और स्टोरी घुमाई जा रही है। पीछे बैकग्राउंड स्कोर था, उसमें भी श्री हनुमान और राम जी की चैंटिंग दिखा रहे हैं। तो स्टोरी किस तरह की होगी ये अभी तक प्रॉपर समझ नहीं आया, लेकिन लव स्टोरी के साथ साथ हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा। और लिटरली ये देख के मुझे काफी अच्छा भी लगा है कि उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश करी है। मतलब आप सबको बताओ कि जो इसके अंदर उन्होंने जिस साउथ में जो एक बहुत बड़ा नाम है कॉमेडी में, ब्रह्मानंदम सर, उनको उन्होंने कास्ट किया है। और उन्होंने अभी तक बहुत सारी मूवीज करी है, हम काउंट नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते इतनी सारी मूवीज। वो बहुत एक्सपीरियंस है, उनकी कॉमिक टाइमिंग काफी अच्छी है। अब उनको इस मूवी में किस तरह से यूज किया जाएगा
ये मतलब देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफी सारे नाम है इसमें जो काफी अच्छे अच्छे रोल कर चुके हैं, साउथ इंडस्ट्री के बहुत जाने माने नाम है। और तो अभी तक अच्छा इस मूवी के बारे में कुछ ज्यादा पता लगा नहीं, कि टीजर में भी कुछ ऐसा बताया नहीं है कि हमें कुछ आइडिया लगे है, कुछ पता लगे। जब इसका ट्रेलर आएगा तब मतलब थोड़ी सी पिक्चर साफ होगी कि ये मूवी एक्चुअल में किस टॉपिक के ऊपर। एक्ट्रेस है मेन लीड तो वो भी बहुत ज्यादा फ्रेश मतलब यंग लग रहे हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है फ्रेश फेस हो या फिर उनकी अर्लियर स्टेज अभी करियर की अर्लियर ये मूवीज हो, अभी वो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी टीजर काफी इम्प्रेसिंग था। आपको ये टीजर कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching. Bye-bye.